पीएम मोदी की ओर से समान नागरिक संहिता यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद देश भर के आदिवासियों को अपनी संस्कृति और वर्षों से चले आ रहे नियमों की चिंता सताने लगी है। जयेश जिला प्रभारी सुभाष पटेल, जिला अध्यक्ष कोलू खोड़े ने प्रेस नोट जारी कर यूसीसी बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता आदिवासी समाज के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास किया तो आदिवासी समाज इसका तीव्र विरोध करेगा। आदिवासियों के जमीन, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े नियम मुख्य धारा से अलग है। आदिवासी समाज इन नियमों को लेकर काफी संवेदनशील है और इसमें बदलाव की आहट भी उन्हें तीव्र प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती है। जयेश पदाधिकारियों ने कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। यहाँ विभिन्न समुदाय के अपने व्यक्तिगत कानून, मान्यताएं हैं और उनकी सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा ही शासित होती है। भारत में करीब 705 आदिवासी समुदाय हैं जो अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। वे अपने सामाजिक कानून से संचालित होते हैं। आदिवासियों पर हिंदू कानून भी लागू नहीं होते हैं। ऐसे में जनजाति समुदाय इस कोर्ट से प्रभावित होगा। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। जयेश खरगोन और समस्त आदिवासी संगठनों के नेतृत्व में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक समान संहिता के विरोध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या है पूरा मामला? ये नागरिक समान संहिता कानून लागू होने से आदिवासियों की जो न्यायिक व्यवस्था है, रूढ़ी प्रथा, उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर साथ ही जो आदिवासियों की जमीन है वो केवल आदिवासी व्यक्ति ही ले सकता है। वो भी समान नागरिक संहिता लागू होने से अन्य लोग भी हमारी जमीन ले सकते हैं। साथ ही आदिवासियों की जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्या मांग करते हैं? हमारी ये मांग है कि आदिवासी समाज को नागरिक संहिता, नागरिक समान संहिता से अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी इस देश का नागरिक नहीं है। क्या नाम है आपका? कोलू खोड़े, जयेश जिला अध्यक्ष, खरगोन। समस्त सामाजिक संगठन द्वारा आज यूसीसी के विरोध में खरगोन कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है। यूसीसी अगर समान नागरिकता संहिता लागू होता है तो हमारे आदिवासियों में जितने भी अधिकार है, हमको जो 244 पांचवी अनुसूची या सभी अधिकार मिले हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आज यूसीसी के विरोध में दर्ज किया है, आपत्ति दर्ज की है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि आदिवासियों में हमारी रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी परंपरा, रीति रिवाज, भाषा बोली और अन्य अन्य परंपराएं हैं जो हमेशा से आगे से चलती आ रही है, तो आदिवासी आज इस देश का मालिक है कहता है, वो नागरिकता में नहीं आता है। और यूसीसी लागू होने से, समान नागरिकता होने से हमारी जो जमीनें हैं वो गैर आदिवासी द्वारा खरीदी जाएगी। और आज हमारे पास जो जमीनें हैं वो आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीदता है, वो जमीनें अंबानी, अडानी जैसे लोग खरीद लेंगे और हमारी जमीनें हमको नहीं मिलेगी और हम पूरी तरह से जमीन विहीन हो जाएंगे। क्या विरोध करते हैं आप? हम विरोध करते हैं कि यूसीसी जो भारत सरकार लागू कर रहा है उसे खत्म किया जाए और यह आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं हो। क्या नाम है आपको? मैं सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष, खरगोन, मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।